Hello friends, welcome once again to the series of talks on the topic communication. आपका स्वागत है फिर से वार्ताओं की इस सिलसिला में, इस श्रृंखला में जो संप्रेषण विषय पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जिस हिसाब से मैंने इस पूरी श्रृंखला को सोचा है उसके बारे में आपसे थोड़ा सा विमर्श कर लूं, आपको बता दूं उस बारे में. इसको यह विषय बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट क्लासेस में भी पढ़ा जाता है और वहां पर आमतौर पर छात्र इसको एक इम्तहान की तैयारी के रूप में देखते हैं. मैंने उस तरह से इसको आपके लिए ऑर्गेनाइज नहीं किया है. मेरी आशा यह है कि आप अपने वर्किंग लाइफ, अपने करियर, अपने पूरे जीवन में कम्युनिकेशन को अच्छी तरह समझकर और इंप्लीमेंट करके कैसे फायदा उठा सकते हैं आप वो करें. यानी ये समझ लीजिए करियर डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इस एस्पेक्ट को पे ज्यादा जोर दिया है. जो आप में से जो लोग अपने अपने कोर्सेज में या अपने सिलेबस में इसको पढ़ते होंगे वो अपने अलग अंदाज से अपने क्लासों में पढ़ रहे होंगे, उसमें से बहुत कुछ कॉमन मिलेगा. लेकिन ट्रीटमेंट मैंने फर्क करने की कोशिश की है अपने जीवन के तजुर्बे से प्रेरणा लेकर. तो हमने अभी तक काफी कुछ पिछले श्रृंखला के सेशंस में किया है. हम एक बहुत ब्रीफली आइडिया ले लेते हैं कि हमने क्या क्या कुछ किया है. हमने कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस समझी, उसका महत्व, साथ ही हमने यह भी समझा कि कम्युनिकेशन दरअसल है क्या. हम जैसा कि हम समझ पाए जानते हैं कम्युनिकेशन क्या है, लेकिन उसका कहां तक वृहदता है, कितना इंपॉर्टेंट है, ये दो चीजें यहां देखी हमने. उसके मोटे मोटे जो महत्वपूर्ण विभेद है वो देखे, प्रकार, टाइप्स. ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम किसी भी सब टॉपिक में पूरी गहरे तक नहीं उतरेंगे. उसके लिए तो आप खुद अपने स्तर पर जानकारी बढ़ाते जाएंगे, अपने जीवन से सीख लेते जाएंगे, नसीहत लेते जाएंगे. तो हमने मोटे मोटे तीन विभेद समझे थे. फिर हमने स्टेप्स और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन समझी थी. ये मैंने आपको समझाया था कि स्टेप्स और प्रोसेस तकरीबन वही चीज है. जब कदम या स्टेप्स एक गिवन सीरीज में, एक प्री डिटरमिंड लॉजिकल सीरीज में लिए जाते हैं तो प्रोसेस बन जाती है. और इन दो में बहुत समानता के अलावा जो आखिरी मैंने इंट्रोड्यूस किया था सब टॉपिक यानी एलिमेंट्स, उसमें भी समानता है. सो वी हैव डन इंपॉर्टेंस, इंट्रोडक्शन, टाइप्स, स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग द फ्लो एंड द एलिमेंट्स. स्टेप्स और प्रोसेस जैसा मैंने आपको बताया तकरीबन वही चीज है, वही स्टेप्स को आप एक सीक्वेंस में कर रहे हैं. एलिमेंट्स में दो एस्पेक्ट्स एडिशनल है जो स्टेप्स और इंपॉर्टेंस में नहीं आते, क्योंकि स्टेप्स और प्रोसेस तो मेन कम्युनिकेशन का जो कोर एरिया है. लेकिन ये जो दोनों है, वैसे ही कम्युनिकेशन टेक्निकली स्पीकिंग से बाहर है, लेकिन कम्युनिकेशन को इतनी ज्यादा अफेक्ट करते हैं कि ये एलिमेंट्स को भी जानना अत्यावश्यक है. अब इसको लेने के साथ साथ मैं आपको एक फिगर के माध्यम से भी यह पूरी बात समझाने का प्रयास करूंगा. एलिमेंट्स में हमने अभी तक विस्तार से चर्चा की है कि सेंडर, मीडियम, चैनल, ये दोनों मैसेज से संबंधित है. तो सेंडर पहले आइडिएट कर रहा है. बेहतर ये होगा कि मैं आपको पहले एक फिगर बना दूं तो आप उसको रिलेट बेहतर कर पाएंगे. The sender ideates and chooses medium and channel of message or transmission of message. यह एक बॉक्स हो गया. इसका इक्विवेलेंट है रिसीवर interprets.
सेंडर ऑल्सो एनकोड्स. अभी मैं आपको विस्तार से बताता हूं. यहां पर ट्रांसमिशन हो रहा है जिसके अंतर्गत मीडियम और चैनल दोनों आते हैं, और यहां पर रिसीवर डिकोड कर रहा है. इस श्रृंखला का अंत तब होता है जब रिसीवर सेंडर को फीडबैक भेजता है. इस पूरी प्रक्रिया को, वैसे तो यह कम्युनिकेशन की प्रोसेस है, लेकिन इसके लिए और बेहतर ज्यादा तार्किक डिस्क्रिप्शन है कम्युनिकेशन फीडबैक लूप. लूप इसलिए कि फीडबैक के माध्यम से यह पूरा प्रोसेस जो यहां से शुरू होता है यहीं पर आके खत्म होता है. अब मैं आपको विस्तार से इनको लिंक करके बताता हूं. हमने समझा था पहला कदम होता है कि एक व्यक्ति आइडिएट करता है, यानी उसके दिमाग में आइडिया आता है. और हमने समझा था कि चूंकि आइडिया एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति तक ट्रांसमिट करने का कोई तरीका इंसानी सभ्यता के पास नहीं है, इसलिए उसको एनकोड करके, किसी कोड से अटैच करके ही भेजा जा सकता है. सो सेंडर ने आइडिएट किया, उसको एनकोड किया, फिर डिसाइड किया. मैंने आपको एग्जाम्पल ही बताया था कि उसको किस माध्यम से भेजना है. सो माध्यम में आ जाएगा कि वो डिसाइड करता है कि मैं बोल के कहूंगा, या वॉइस मेल भेज दूंगा, या एसएमएस कर दूंगा, टेक्स्ट कर दूंगा, एक्सेट्रा. वो ट्रांसमिट हो रहा है. तो अब देखिए यहां पर क्या है, सेंडर एंड एनकोडर इज द सेम पर्सन. वो मैसेज को कंसेप्चुलाइज कर रहा है, यानी पहले आइडिया ले रहा है, उस आइडिया को कन्वर्ट कर रहा है एक मैसेज में थ्रू एनकोडिंग इट. आइडिएट, आइडिया उसके उसने अटैच किए, चाहे शब्द अटैच किए, चाहे भाव अटैच किए, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, किसी भी माध्यम से वो कोड्स अटैच करके मैसेज बनाया, आइडिया को मैसेज में कन्वर्ट किया. ये डिसाइड किया कि वो मैसेज किस माध्यम से, किस मीडियम से भेजेगा, चिट्ठी के माध्यम से, यानी रिटन वर्बल कम्युनिकेशन, या ओरल वर्बल कम्युनिकेशन, या किसी और माध्यम से, यह मीडियम, और किस चैनल से प्रेषित करेगा. मान लीजिए लिखकर भेजना है तो वो ईमेल भी कर सकता है, एसएमएस भी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस, किन परिस्थितियों में कैसे करना है. सो एनकोडर ने या सेंडर ने पहले आइडिएट किया, फिर उसे एनकोड किया. एनकोड करने के उपरांत जो मैसेज बना उसके साथ उसने डिसाइड किया कि कौन सा मीडियम यूज करेगा, कौन सा चैनल यूज करेगा, उसको यहां पर यह सब करके ट्रांसमिट किया. ट्रांसमिट करने के बाद रिसीवर ने रिसीव किया उस मैसेज को. रिसीव करने के बाद उसने यहां पर उसे डीकोड किया. देखिए यहां पर डीकोड किया, डीकोड करना तो उस एक स्टेप है, डीकोड इज नॉट द फाइनल स्टेप. डीकोड करने में क्या करता है, इज द रिवर्स ऑफ एनकोडिंग. उसने मैसेज लिया, मैसेज उसको आइडिया नहीं आ रहा है, उसको कोड्स आ रहे हैं, चाहे शब्द के माध्यम से, चाहे भाव भंगिमाएं वगैरह वगैरह, जो हमने बहुत सारी चीजें देखी है. उस कोड में से उसको वह आइडिया निकालना है. ध्यान रखिए, कोड हटाएगा उसका ब्रेन, और उसके साथ जो आइडिया जो उस कोड के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है वह आइडिया निकाल लेगा. तो ये डीकोडिंग प्रोसेस लीड्स टू अगेन रिक्रिएशन ऑफ द आइडिया बाय द रिसीवर, एंड द रिसीवर देन अंडरस्टैंड्स दैट आइडिया एंड देन रिस्पॉन्ड्स अकॉर्डिंगली. I might send an idea to you. आपके पास मेरा idea correctly पहुंच जाना चाहिए, यही communication चाहता है, उसका प्रयास है. अब आप मेरे idea से सहमत हो सकते हैं या असहमत हो सकते हैं, वो अलग बात है. Communication तब पूर्ण हो जाएगा जब आपके दिमाग में मेरा idea decoding के उपरांत पूरी तरह पहुंच गया. लेकिन मैं ये नहीं जानता कि आपके दिमाग में पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है. देखिए यहां तक हम पहुंच गए, जैसे यहां पर इसने मैसेज को आइडिएट करके, कंसेप्चुलाइज करके, फॉर्म करके ट्रांसमिट किया था, उसका रिवर्स यहां हो रहा है. रिसीवर ने उस मैसेज को
पहले डिकोड करके और फिर अंडरस्टैंड करके इंटरप्रेट किया, अपने दिमाग में ले लिया। अब रिसीवर को यह जानना आवश्यक होगा, होता है कि इसके पास पूरा मैसेज पहुंचा कि नहीं। अतः चाहे यह रिसीवर उस मैसेज से सहमत हो या असहमत हो, चाहे वो अच्छी कविता या अच्छी संगीत प्रस्तुति पे दाद देना चाहे, ताली बजाना चाहे या थूजू करना चाहे, ये अलग बातें हैं, लेकिन वह फीडबैक के माध्यम से देता है। अब आप समझे, ये एलिमेंट्स अभी तक हमने जितना समझे हैं, यहां तक की प्रक्रिया मैं आपको दूसरे कलर वाले से कोशिश करता हूं डिस्टिंग्विश कर पाऊं। हमने यह कर लिया, देखिए एलिमेंट्स में मैंने आपसे कहा था स्टेप्स और प्रोसेस तकरीबन वही चीज है, और एलिमेंट्स में भी वही स्टेप्स एलिमेंट्स हैं ज्यादातर। हमने ये किया सब सर्वप्रथम, उसके उपरांत यह दूसरा कदम है जो मैसेज से संबंधित है, यह सेंडर से संबंधित है, यह तीसरा कदम रिसीवर से संबंधित है, और फीडबैक भी रिसीवर का ही काम है। यह प्रक्रिया हमारी जो बेसिक कम्युनिकेशन है यह पूर्ण हो गया है। मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि आप डिस्टिंग्विश कर पाए इतने सब, ठीक, यह प्रक्रिया हमारी पूर्ण हो गई। इसीलिए अब मैं इसको यहां से हटा दे रहा हूं, क्योंकि अब हम आगे बढ़ेंगे और फोकस करेंगे एडिशनल चीजों पर। यहां पर जो लिखा था वो सब यहां पर भी लिखा हुआ है। यह बेसिक कम्युनिकेशन है जिसे हम बेसिक टेक्निक कह सकते हैं, लेकिन यह अपने आप में पूर्ण नहीं है। कम्युनिकेशन इंसानों के बीच में होता है, इंसान मशीनों की तरह नहीं होते, इंसान सोचते हैं, इंसानों में पिक्यूलियरिटीज होती हैं, सब में विभिन्नता होती है, वैविध्य होता है, सबके जीवन में अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमको यह समझने की आवश्यकता है कि यह कॉन्टेक्स्ट और नॉइज क्या है और क्यों है। संभवतः इसी के वजह से, इसी से अभी तक तो आपने जो किया उससे आपके इम्तहान का काम हो जाएगा, लेकिन जीवन में अगर इसका आपको फायदा उठाना है, सदुपयोग करना है, तो आपको यह दोनों समझने अत्यधिक आवश्यक है। तो कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको जैसा कि पिछले सेशन में बताया था, कॉन्टेक्स्ट मींस संदर्भ। कोई भी कम्युनिकेशन, हम चूंकि प्योर साइंस का विषय तो है नहीं, यहां तो इंसानी विषय है और एक रियल लाइफ में हमारे समाज में हो रहा है, सो इट डज नॉट हैपन इन अ वैक्यूम। उसमें बेसिक कम्युनिकेशन के स्टेप्स के अलावा बहुत सारी चीजें उसको इंपैक्ट करती हैं, ताकि कम्युनिकेशन पर उसका असर पड़ता है। इस कॉन्टेक्स्ट को हम इंट्रोड्यूस करेंगे यहां पर। देखिए यह कॉन्टेक्स्ट है और यह भी कॉन्टेक्स्ट, दो जगह जो मैंने कॉन्टेक्स्ट लिखा है वो जगह खास है। यहां पर आइडिया को सेंडर कन्वर्ट कर रहा है मैसेज में, और यहां उस मैसेज को वापस कन्वर्ट कर रहा है आइडिया में। यह बहुत महत्वपूर्ण है। वही फैक्ट, वही घटना दो जनों के सामने हो तो बहुत संभव है दोनों उससे अलग अलग सीख या नसीहत लें। हम देखते हैं कि क्लास में हमारे गुरुजन, हमारे अग्रज घर वाले सब बच्चों को वही बातें बताते हैं, उनमें से कुछ उनको आत्मसात करते हैं, कुछ उनको आत्मसात नहीं करते, कुछ समाज के लिए उपयोगी व्यक्ति बनते हैं, कुछ समाज के लिए नुकसानदेह व्यक्ति बनते हैं। देखिए सेम इंफॉर्मेशन, सेम कम्युनिकेशन उन्होंने रिसीव किया है, सबने सुना है कि अच्छे काम करने चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन हर कोई इसको नहीं मानता। यह है कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ, और संदर्भ के अंदर क्या आएगा, प्लेस, कहां पर हो रहा है। मैंने पिछली बार आपको एक नमूना देने की कोशिश की थी कि अगर कोई मातमी में हम जाते हैं तो हम बहुत तड़क भड़क वाले कपड़े नहीं पहनते, हम सादे लिबास में, या बहुत कोई लोग तो प्रेफर करते हैं सफेद कपड़ों में जाते हैं। प्लेस, किन परिस्थितियों में आप वहां जा रहे हैं, आप कम्युनिकेट नॉन वर्बली कर रहे हैं, आप अपना चेहरा भी, आप वहां हंसते खिलखिलाते नहीं जाते, आप
थोड़ा सा संजीदा सा माहौल होता है, आप खुद को भी संजीदा रखते हैं, कपड़े आपके सिंपल होते हैं। उसी तरह अगर दो बहुत महत्वपूर्ण मौके, एक नौकरी का इंटरव्यू, एक शादी का, लेकिन दोनों में लिबास में बहुत फर्क होता है, जमीन आसमान का, ये एग्जाम्पल भी मैंने आपके सामने बताया था। प्लेस, टाइम, सुबह सुबह अगर आप किसी से मिलेंगे तो आप किसी और तरह से ग्रीट करेंगे बनिस्पत उसको कि शाम को 8:30 मिल रहे हो, राइट। ये सब कॉन्टेक्स्ट है, ये सब संदर्भ है। ध्यान दीजिए हम किस रेफरेंस में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि जो आइडिया है उसको कोड अटैच कर रहा है सेंडर, तो जो वो कोड अटैच कर रहा है वो ध्यान दे रहा है कि ये मैसेज किस प्लेस में जा रहा है, किस प्लेस में क्रिएट हो रहा है, किस टाइम में जा रहा है, किस टाइम में क्रिएट हो रहा है। और एटीट्यूड्स, सिर्फ एटीट्यूड ही नहीं, एटीट्यूड, एक्सपीरियंस, परसेप्शन, मैंने आपको जैसे बताया, परसेप्शन मींस परसीव करना, एक चीज, एक वस्तु या एक घटना को जैसे मैं समझ रहा हूं, संभवतः बिल्कुल वैसा ही कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं समझेगा। हम में से हर व्यक्ति उसी घटना को थोड़ा थोड़ा फर्क समझेगा, उससे अलग अलग मतलब निकालेगा और संभवतः उसके अलग अलग रिस्पॉन्सेस होंगे। ठीक, ये तो हो गया परसेप्शन। एक्सपीरियंसेस, मेरा तजुर्बा जो है वह तजुर्बा मुझे उसने जो सिखाया है उसके अनुसार ही मैं एनकोडिंग के दौरान डिसाइड करूंगा कि मैं कौन सा कोड, क्या मैसेज बनाऊं। वही आइडिया मुझे आया, वही आइडिया आपको आया। मेरी उम्र कुछ और है, मेरे जीवन के तजुर्बे कुछ और है, एक्सपीरियंसेस कुछ और है, पूरे आपके साथ कुछ और है, आप किसी और परिप्रेक्ष्य में माहौल में पले बड़े हैं, एक्सपीरियंसेस कुछ और है। सो वही आइडिया मैं और आप एग्जैक्टली सेम मैसेज में संभवतः कन्वर्ट नहीं करेंगे। हम एनकोडिंग के दौरान इन सब बातों से बिना कॉन्शियसली सोचे, चाहे अनचाहे, अफेक्ट होंगे और प्लेस, टाइम, एटीट्यूड, परसेप्शन, एक्सपीरियंसेस, इन सब बातों से बहुत फर्क पड़ता है एग्जैक्ट मैसेज की एनकोडिंग की प्रक्रिया में। ठीक इसका रिवर्स इंटरप्रिटेशन के टाइम पर हो रहा है। डीकोड करके आइडिया तो निकाल लिया, डीकोड करना इज फेयरली सिंपल बिकॉज कोड कॉमन है। मैंने आपको बताया था कि अगर इस वस्तु को मैं पेन के नाम से बोलूं और आपको दिखाऊं कितना बढ़िया पेन है तो आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि आमतौर पर हम इसे, हम सब इसे डस्टर के रूप में जानते हैं, लेकिन अगर विश्व का हर व्यक्ति इसको डस्टर कोड की जगह पेन कोड अटैच कर दे तो आपको समझने में कष्ट नहीं होगा। वही मैं कहना चाह रहा हूं, अगर आपकी एनकोडिंग और डीकोडिंग सही है, सेम कीज पर कोडिंग और डीकोडिंग हो रही है, तो डीकोडिंग के बाद आइडिया तो आ जाएगा रिसीवर, लेकिन उस आइडिया को इंटरप्रेट करके जो मीनिंग निकलेगा वो कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ के फिल्टर के थ्रू होके निकलेगा। वह आइडिया मेरा, आप अगर 5 लोग बैठे हैं, वह सेम आइडिया मैं आप सबको दे रहा हूं, आप 5ों में से हर व्यक्ति अपने अपने प्लेस, टाइम, एटीट्यूड, परसेप्शन, एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह इन सब के फिल्टर से निकालकर तब इंटरप्रेट करके फाइनल मतलब निकालेगा। आप एक से कोई एक व्यक्ति बोर भी हो सकता है इस बात से, अरे यार मेरे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता इसका, या मैं अपने किताब से पढ़ लूंगा, मेरे को नहीं देखना ये आगे। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति कह सकते नहीं यार, ये किताब में तो मैंने पढ़ा था, इसमें इस तरह से नहीं प्रस्तुत था, यहां प्रस्तुति थोड़ी फर्क है, मुझे रुचि आ रही है। क्यों? आप दोनों का कॉन्टेक्स्ट अलग। ठीक, यहां तक यह आवश्यक है कि हम यहां तक, हमने अभी तक इस श्रृंखला में जितनी बातें की हैं, महत्व या इंपॉर्टेंस से लेकर कॉन्टेक्स्ट तक, यह प्रोसेस हम सबको समझने की प्रक्रिया एक सिंगल एंटिटी के रूप में है, यह कोर है पूरे विषय का। इस कोर को पूरा एक रूप में समझे बिना, हमें टुकड़ों में अगर हम समझेंगे तो हमारा ही नुकसान है। नॉइज या बैरियर्स इसके अलावा है, उसको मैं अलग से अभी टेकअप करूंगा, लेकिन उसके पहले आप समझ लीजिएगा, अभी तक हमने इंपॉर्टेंस, इंट्रोडक्शन, टाइप्स, स्टेप्स, प्रोसेस, एलिमेंट्स के विभिन्न एस्पेक्ट्स, कॉन्टेक्स्ट तक जो समझे हैं, यह एक सिंगल एंटिटी है।
रखी है, अपने दिमाग में आपको इसको एक पूरे रूप में रखना है। तो मित्रों, अभी तक हमने पूरे कम्युनिकेशन की कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लिया है तकरीबन, एक्सेप्ट एक बहुत क्रूशियल पॉइंट। हमने समझ लिया है कि एनकोडिंग होती, पहले आइडिएशन होता है, एनकोडिंग होती है, फिर ट्रांसमिशन होता है, डिकोडिंग होती है, मीनिंग निकाला जाता है, फीडबैक दिया जाता है, और इस पूरी प्रक्रिया में जहां भी इंसान इस्तेमाल हो रहा है दिमाग, इंसानी दिमाग, वहां संदर्भ, प्लेस, टाइम, परसेप्शन, व्यक्तियों के दिमाग में क्या चल रहा है, ये पूरी प्रोसेस अब हमें क्लियर हो गई है मोटा मोटी। एक आखिरी पॉइंट जो संभवतः इस पूरे कॉन्सेप्ट को टोटैलिटी की तरफ ले जाता है, वह है हर इस स्टेज पर, इसमें हर स्टेज पर, मैं इसीलिए दूसरे कलर से कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट आता है नॉइज। ठीक, नॉइज इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस हैज पॉसिबली द मोस्ट क्रूशियल इंपैक्ट ऑन द सक्सेस ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ आई शैल रिमूव दिस एंड वी विल लुक एट नॉइज इन कम्युनिकेशन इन डेप्थ। Noise is any factor that inhibits communication. वैसी कोई भी बात जो कम्युनिकेशन में बाधा डाले उसको हम नॉइज समझ सकते हैं। थोड़ा मुश्किल होगा सिर्फ इतने से समझ पाना, हम इस पर अभी अंदर तक जाएंगे। इट इज एनीथिंग दैट gets in the way of the message being accurately created, transmitted, received interpreted or responded to। इसको हम थोड़ा विस्तार से समझेंगे। any factor that inhibits communication, कोई भी चीज जो अवरोध उत्पन्न करे कम्युनिकेशन की प्रोसेस में। अवरोध कैसे उत्पन्न कर सकती है? जो विभिन्न स्टेप्स हैं, उनमें अवरोध, उनमें रोक लगाए या उनके स्मूथ कंडक्ट में अवरोध उत्पन्न करे। कैसे? एनीथिंग दैट गेट्स इन द वे, जो मार्ग रोके, गेट्स इन द वे ऑफ द मैसेज बीइंग एक्यूरेटली, पूर्ण रूपेण, करेक्टली, सही तरह से मैसेज के क्रिएशन में। आइडिया तो आ गया साहब, ठीक है, आइडिया, आइडिएशन की प्रक्रिया अपने स्तर पर है, लेकिन आइडिएशन को हम एनकोड करते हैं इनटू अ मैसेज, उस प्रक्रिया में अगर कोई बाधा आती है, या ट्रांसमिशन, हमने एनकोड करके मैसेज बनाया, वहां पर हमारे कॉन्टेक्स्ट है, संदर्भ है,
उसमें भी एरर्स आ सकते हैं एनकोडिंग की प्रोसेस में. फिर ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन में हम चैनल डिसाइड करते हैं, मीडियम डिसाइड करते हैं. जैसे हमने डिसाइड किया कि यह मैसेज है, यह हम ओरली यानी बोलकर ट्रांसमिट करेंगे और क्लासरूम में बोलेंगे, और उसी समय बहुत तेज बगल से शोर होने लग जाता है मान लीजिए. तो ट्रांसमिट तो हमने किया बोलकर कोई मैसेज, लेकिन बगल से बहुत तेज शोर हुआ और वह मैसेज पूरी तरह रिसीवर तक नहीं पहुंचा. तो ऑब्स्ट्रक्शन इन द क्रिएशन ऑफ मैसेज एट दिस लेवल ऑफ कन्वर्जन ऑफ आइडिया इनटू मैसेज, ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज थ्रू वेरियस थिंग्स दैट वी टेक अ लुक एट, रिसेप्शन ऑफ द मैसेज. मान लीजिए आपका मैसेज आ सही रहा है और उसी समय मेरे कान में बहुत तेज दर्द होने लग जाए तो मेरे को रिसीव करने में प्रॉब्लम होगी. ठीक, सो क्रिएशन ऑफ द मैसेज, ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज, रिसेप्शन ऑफ द मैसेज एज वेल एज इंटरप्रिटेशन, कि किसी मानसिक या साइकोलॉजिकल कारण से आप जो कह रहे हैं उसको मैं गलत तरीके से समझ रहा हूं, यानी मैंने डिकोड करा और जो मतलब निकला उसको आप मेरी तारीफ करना चाह रहे हैं, और मुझे लगा कि आप किसी भी वजह से आपको लगा कि मुझे लगा कि आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, तो क्या होगा, पूरी पर्पस मीट नहीं होगा कम्युनिकेशन को, मिस कम्युनिकेशन होगा या इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट कम्युनिकेशन होगा. उसी तरह बीइंग रेस्पॉन्डेड टू, जो फीडबैक की प्रक्रिया है, अगर फीडबैक की प्रक्रिया में अवरोध हो रहा है तो वह भी नॉइज कहलाएगा. यह तो हो गया नॉइज. अब नॉइज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, तो नॉइज को एक और नाम से जाना जाता है, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन. Any kind of noise affecting any part of the process of communication or any step of the process of communication that obstructs or impedes the effectiveness of the communication being attempted is referred to as noise and is a barrier to effective communication. Clear? मेरे ख्याल से इससे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसको नहीं समझा जा सकता. तो अब हम समझेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस प्रोसेस. हम यह समझ चुके हैं कि कम्युनिकेशन क्या है, उसमें कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ का महत्व, और उसी संदर्भ से जुड़ा हुआ क्या क्या उसमें बैरियर्स हो सकते हैं या क्या अवरोध हो सकते हैं. बैरियर्स इतने प्रकार के हो सकते हैं जिसकी लिस्टिंग पूर्ण रूपेण से संभव ही नहीं है. मैं आपको कुछ रिप्रेजेंटेटिव या नमूने के बैरियर्स बताऊंगा और बाकी आप जैसे उस पर मनन करेंगे, आप खुद ही अगर अपनी कम्युनिकेशन, अपने जीवन में कम्युनिकेशन पर विचार करें तो आप पाएंगे कि और भी बहुत सारे बैरियर्स आपको समझ में आएंगे. मैं यहां कुछ रिप्रेजेंटेटिव, ज्यादा महत्वपूर्ण या ज्यादा आसानी से सुलभ तरह से समझ में आने वाले बैरियर्स की यहां पर लिस्टिंग कर रहा हूं. Environmental, physiological, semantic, syntactic, cultural, psychological, or emotional language related
gender related, perceptual, वगैरह वगैरह वगैरह. यह लिस्ट अनएंडिंग है और इस लिस्ट को कंप्लीट करना आवश्यक भी नहीं है. आवश्यक यह है कि हम ये कॉन्सेप्ट को समझें कि ये बैरियर्स होते हैं. उनसे जब हम एक कम्युनिकेशन की प्रोसेस में हो, चाहे एज अ सेंडर चाहे रिसीवर, हम मनन करें, ध्यान करें कि किस तरह से अवरोध, किस प्रकार के अवरोध वहां पर हो सकते हैं और प्रयास करें कि अवरोधों को या तो उत्पन्न ही न होने दें या वो अगर मौजूद हो तो उन अवरोधों को ओवरकम करें ताकि हमारी कम्युनिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट कम्युनिकेशन ट्रांसमिट मैसेज कंप्लीट ट्रांसमिशन में रिजल्ट करें. तो एनवायरमेंटल, जैसा मैंने आपको बताया था, आप क्लास में बैठे हुए हैं और बगल से कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है या बगल में कोई शादी का है या कोई मंदिर है और बहुत तेज म्यूजिक बज रहा है. सो आपको एनवायरमेंटल फैक्टर है, फिजिकल प्रॉब्लम है, आपको समझ ही में नहीं आएगी, पूरी बात ही अपने लेक्चर की सुनाई नहीं देगी. ठीक, फिजियोलॉजिकल माने शारीरिक, अगर आपके बहुत तेज सिरदर्द हो रहा है या आप सुनने में, आपको सुनने में प्रॉब्लम है या आपको देखने में प्रॉब्लम है, तो आप ब्लैक बोर्ड में क्या हो रहा है, ये नहीं, कई बार होता है कि छोटे बच्चों के स्कूल से खबर घर आती है कि कृपया अपने बच्चे की आंख टेस्ट कराइए, इसको ब्लैक बोर्ड में क्या लिखा जा रहा है दिख नहीं रहा है. बहुत सारी केसेस में ऐसे ही बच्चे की नजर की कमियां पता चलती है. फिजियोलॉजिकल, कम्युनिकेशन इंपीड हुआ, चाहे बगल से शोर आए आप सुन नहीं पाए. फिजियोलॉजिकल, आप किसी और कारण से कान में फोड़ा हो गया है, कोई और परेशानियां नहीं सुन पाए. सिमेंटिक, सिमेंटिक का मतलब होता है कि हम और आप भाषा सेम बोल रहे हैं लेकिन हम दोनों की भाषाओं की समझ में फेर है. कोई एक शब्द का मतलब आपके लिए कुछ और हो सकता है और मेरे लिए थोड़ा फर्क मतलब भी हो सकता है. जैसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिसमें एक शब्द के चार चार, तीन तीन, पांच पांच मतलब हो सकते हैं. मैंने ये शब्द जब बोल रहा हूं इस प्रकार से मीनिंग वन के अनुसार भेजा और आपने मीनिंग थ्री रिसीव किया, आप कोई भी डिक्शनरी खोल के देखेंगे तो एक शब्द के एक से ज्यादा मतलब निकलते हैं. इसे कहते हैं सिमेंटिक. सिंटैक्टिक मतलब अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक है, कई बार हम देखते हैं कि कुछ खटकने लग जाता, हम कुछ पढ़ रहे हैं और एकदम से वो मतलब समझ में नहीं आ रहा, फिर हम दो तीन चार बार पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि टेंस गलत हो गया है. इसीलिए हमको बचपन में, चाहे हिंदी भाषा की कोई भी भाषा की क्लास हो, हमको यह बताया जाता है कि ग्रामर के रूल्स को पूरी तरह फॉलो करना जरूरी है. ये भी रिटन कम्युनिकेशन में, इवन ओरल कम्युनिकेशन में बहुत फर्क डालता है. कल्चरल डिफरेंस, ये तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किन्हीं कल्चर्स में, किन्हीं संस्कृतियों में, जापान में या अफ्रीका के कुछ देशों में या अरब के देशों में या विदेशों में, मतलब ये जो OECD कंट्रीज है, यूरोप अमेरिका में, गले लगना बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती, जबकि कुछ दूसरे कल्चर्स में गले लगना बहुत जरूरी, कहीं पर एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए लोग नाक आपस में रगड़ते हैं. तो यह कल्चरल कम्युनिकेशन, आप किसी ऐसे देश में गए जहां पर किसी से गले लग, आपकी आदत है क्योंकि आप अपने मित्रों से मिलते हैं, वहां किसी से गले लगे और उसने बुरा मान लिया उसको, या कुछ कल्चर्स में अलग अलग पुरुषों और स्त्रियों का गले लगकर अभिवादन करना भी सही माना जाता है, हमारे कल्चर में उसको सही नहीं माना जाता है. कल्चरल डिफरेंस. साइकोलॉजिकल, इमोशनल, आप सोचिए जब आप बहुत गुस्से में होते हैं, चाहे आप क्लास में हो, चाहे घर में हो, चाहे मित्रों में हो, चाहे कहीं भी हो, कि या कोई भी और साइकोलॉजिकल स्टेट आपकी होती है, आप नाराज हैं या आप दुखी हैं या आपको लग रहा है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, तो आपके सोचने, समझने, सुनने, उसको इंटरप्रेट करने, उसको इनकोड करने, ये सारी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं इन द केस ऑफ अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम और अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्टेट. लैंग्वेज, लैंग्वेज के अंतर्गत सिमेंटिक आ गए, सिंटैक्टिक आ गए, जेंडर बेस्ड, पुरुषों और स्त्रियों के संदर्भ में कई बातें जो लड़के या युवा पुरुष आपस में गाली देके एक दूसरे से बड़े प्यार से बातें करते हैं और उसको प्यार का द्योतक माना जाता है, लेकिन वैसी गाली अगर वो अपने स्त्री क्लासमेट्स को या मित्रों को देंगे तो उसे बड़ा बुरा माना जाएगा, कम्युनिकेशन एरर हो जाएगा. ठीक,
Perceptual means आप कैसे, हमने देखा कॉन्टेक्स्ट में परसीव करना, सेम फैक्ट वही घटना या वही बात मैं उसको एक तरह से समझ रहा हूं या एक उसको अच्छा मान रहा हूं या बुरा मान रहा हूं और आप दूसरे तरह से कर रहे हैं और यह निरंतर बहुत लंबी श्रृंखला है। इसको ऐसे रटने की या लिस्ट बनाने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता यह है कि इसको समझा जाए। कुछ समय तक अपने कम्युनिकेशन में उसको आइडेंटिफाई किया जाए कि यहां यहां क्या क्या प्रॉब्लम हुई या जहां जहां कम्युनिकेशन हमको लगा अपने जीवन में वहां कमियां हैं, फिर धीमे धीमे हमारी आदत बन जाएगी हम सारे कम्युनिकेशन को, क्योंकि मैंने आपसे कहा यह हम क्लासरूम या किसी सिलेबस के हिसाब से नहीं, हम अपने जीवन में अपने पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए या अपने करियर डेवलपमेंट के एम से कम्युनिकेशन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और ये सारी बातें जब समझ में आती हैं तो इट लीड्स टू इफेक्टिवनेस इन कम्युनिकेशन। इसी श्रृंखला में हम संभवतः आगे समझेंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है और उसके प्रति क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं। वो बेस्ड होगा इन्हीं सब बातों पर जो हमने अभी तक इस श्रृंखला की वार्ताओं में या चर्चाओं में की है। तो अगली बार के लिए, तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।